हाय, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जेबीटी और पीआरटी में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जीएस के यानी कि हिस्ट्री और साइंस के कुछ क्वेश्चंस, और उसमें बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी इन क्वेश्चंस को भूल ना पाओ। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट जो 1 है वो अपने पेड वाले ग्रुप में दे दिया था सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो पेड हो या नॉन पेड हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, हमारे किसी भी ग्रुप को, और आपको ये चीजें मिलती रहेंगी। प्रैक्टिस सेट 2 जो है हमने पेड ग्रुप में भेजा था, इसमें एनआईओएस सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन हैं। 40 में से अगर आपके 32 बन रहे हैं तब तो आप सोचिए आपका सिलेक्शन होगा, वरना आप सारी चांसेस भूल जाइए। इस वजह से अगर आपके 32 नहीं बन रहे हैं तो हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप पूरी तरह से देखिए, फॉलो करिए, और जिस भी तरह से हमने आपको पढ़ाया है आप अगर पढ़ लेते हैं तो 40 में से कम आपके 35 नंबर तो 100% कन्फर्म हो जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। और देखिए, हिंदी में जो आपकी 10 नंबर की ग्रामर आएगी उसके लिए हमने ये वाली पीडीएफ का वॉल्यूम 2 आपके लिए बना के दे दिया है। बहुत ही शॉर्ट में जितनी भी आपकी ग्रामर का पोर्शन है वो आ जाएगा। मेरा गला थोड़ा खराब है तो इस वजह से माफी चाहूंगा अपनी आवाज के लिए। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में, पीआरटी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ से पहले हमने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, वो सिर्फ हिंदी में थी और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने लग रहे थे, लगभग 17-18 क्वेश्चन गलत निकल के आए उसमें। तो इस वजह से हमने ये वाली बनाई है जेबीटी और पीआरटी एग्जाम के, जो आपको भेज दी है। एमसीक्यूज हैं इसमें, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी उस पीडीएफ में जिसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, वो हम आपको यहां सही करके बताएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे आपके पीआरटी और जेबीटी जैसे एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यहां वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, इसमें लखनऊ दिया गया है, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए पटना। एक्चुअली भारत में वहाबी जो आंदोलन था उसने 19 सेंचुरी में अपना बहुत बढ़िया प्रभाव बनाया। ये मूवमेंट मुस्लिम समुदाय में सुधार लाना चाहता था। भारत में वहाबी आंदोलन के मूल नेता सैयद अहमद बरेलवी थे, उन्होंने 1820 के दौरान इस मूवमेंट को शुरू किया और भारत के कई हिस्सों में इसका प्रचार किया। वहाबी मूवमेंट ने रोहिलखंड और बंगाल रीजन्स में अपना प्रभाव बनाया, यहाँ पर इसने लोकल मुस्लिम समुदाय को सुधार के लिए प्रेरित किया, इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पटना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पटना। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी, और इसका सही आंसर है, दरअसल भारत में पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिछाई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई थी और ये 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई। ये ट्रेन बोरी बंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर ठाणे तक के बीच में चलाई गई थी। इससे जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा है, पहली रेल यात्रा के दिन ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। इस ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी बहुत धूमधाम से की गई थी। यात्रा से पहले ट्रेन को सजाने के लिए फूलों और झंडों का प्रयोग किया गया था। यात्रियों को मुफ्त में मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री बांटी गई थी। इस यात्रा के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने ट्रेन की कार्य क्षमता और गति परखने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने रास्ते में विभिन्न स्थानों पर ध्वजवाहक खड़े कर दिए, मतलब कि जो झंडा लेके खड़ा होते हैं, और ट्रेन के गुजरने पर झंडा लहराते थे वो लोग। इससे सुनिश्चित हुआ कि ट्रेन समय पर है और बिना किसी रुकावट के अपने, मतलब जहां भी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है वहां पे पहुंच रही है। तो इस तरह से ये पहली रेल यात्रा भारत में संभव हुई। ये अगला क्वेश्चन एकदम सही है, यहाँ पे पूछा गया ठगों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन में कर्नल स्लीमैन है, इनका सही नाम है विलियम हेनरी स्लीमैन। एक्चुअली इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 1830 के दशक में होती है। स्लीमैन ने ठगों के गिरोह का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने का अभियान शुरू किया। वह भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर ठगों को पकड़ने का और उनके नेटवर्क को तोड़ने में सफल रहे। ठगी का नेटवर्क कैसा होता था? एक्चुअली ठगों का नेटवर्क भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ था। वो यात्रियों को लूटने और उनकी हत्या करने में माहिर थे। उनका मानना था कि देवी काली के नाम पे बलि चढ़ा रहे हैं। विलियम हेनरी स्लीमैन जो थे, इन्होंने ठगों के खिलाफ गुप्तचरों और जो भी इनके जासूस वगैरह होते थे ना, जो मुखबिर होते थे, जो इनको खबर देते थे, उनके व्यापक रूप से उपयोग में लाए और जिससे ठगों के अड्डों और उनके तरीकों की जानकारी की प्राप्ति हुई। उस जमाने में भी खुफिया विभाग कितना ज्यादा हमारा सक्रिय था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत के आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका दरअसल जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मैकले। देखिए, उनका योगदान है सबसे पहले मैकले मिनट्स। उन्होंने इस दस्तावेज में तर्क दिया कि भारतीय समाज में आधुनिक बनाने और अंग्रेजी भाषा को पश्चिमी ज्ञान प्रणाली को अपनाना बहुत आवश्यक है। मैकले ने ही ये सुझाव दिया था कि इंग्लिश मीडियम में जो है पढ़ाई होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में जो है पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे भारतीय लोग वेस्टर्न विज्ञान और साहित्य और तकनीक को ज्ञान को प्राप्त कर सकें।
और उनके प्रस्तावों के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। इससे भारतीय समाज में एक नया बौद्धिक वर्ग उभरा जो कि अंग्रेजी में शिक्षित था। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे, यानी कि संधि की सब्सिडरी अलायंस कौन सबसे पहले लेके आया था। लॉर्ड वेजली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था, उन्होंने भारत में राज्य में विस्तार करने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। ये एक्चुअली इस तरह की अलायंस है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में। इस शब्द का पहली बार जो इस्तेमाल हुआ है वो करा फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ने मार्किस डुप्लेक्स ने किया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। एक्चुअली लॉर्ड वेसली जो थे वो इस नीति को बहुत दिनों से लागू करना चाहते थे और वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इंडिया के जो निजाम थे वो इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तो इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह है कि निजाम के दरबार में पहुंचते ही वेसली ने अपने साथ आए अंग्रेजी सैनिकों की ताकत और अनुशासन को दिखाने के लिए एक परेड का आयोजन करा। इस परेड में अंग्रेजी सैनिकों ने आधुनिक बंदूकें और तोपों का प्रदर्शन किया। ये देखकर निजाम और उनके दरबारी बहुत प्रभावित हो गए और ब्रिटिश सेना की ताकत का एहसास करने लगे, जो कि थी भी नहीं। इससे निजाम को यह समझ में आ गया अगर उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करे तो अंग्रेजी सेना का सामना करना उनके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो। और इसी तरह सिर्फ दिखावे के चक्कर में एक बहुत बड़ी संधि को बहुत ही आराम से करवा लिया गया, एक बहुत बड़े अलायंस को बहुत ही आसानी से पास करवा लिया गया। आप देखिए, इस कहानी से आपको यह पता चलता है कि चाणक्य ने एक बार कहा था, जो सांप जहरीला नहीं भी है उसे भी ऐसा दिखाना चाहिए कि उसमें बहुत जहर है ताकि लोग डरे। दिखावे की दुनिया है, दुनिया में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, दिखावे पे मत जाओ और अपनी अकल लगाओ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे। तो देखिए, इसका सही आंसर है लॉर्ड चार्ल्स जॉन कैनिंग, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे गलती से सी लिख दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग भारत में 1858 से 1862 तक भारत के वाइसरॉय रहे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1857 के विद्रोह, जिसमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके जस्ट बाद शुरू होता है। ये एक चुनौतीपूर्ण समय था क्योंकि ब्रिटिश सरकार के सामने भारत ने अपने नियंत्रण को फिर से स्थापित करना था, दोबारा से करना था। एक दिलचस्प किस्सा है लॉर्ड कैनिंग से जुड़ा हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। लॉर्ड कैनिंग को क्लेमेंसी कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह था कि 1857 का जो मंगल पांडे वाला विद्रोह हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को और समर्थकों को अपने खिलाफ कठोर दंडनात्मक उपायों का आदेश दिया था, तब कैनिंग ने उदारता और संयम दिखाने का निर्णय किया था। लॉर्ड कैनिंग ने महसूस किया था कि अगर सभी विद्रोहियों को कठोर दंड दिया गया तो इससे भारतीय समाज में अधिक अशांति और असंतोष पैदा होगा, इसलिए उन्होंने विद्रोहियों के प्रति उदारता दिखाने का आदेश दिया ताकि वे फिर से ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार बन सके। उस जमाने में जो इंडियन आर्मी थी उसकी टोटल संख्या 500,000 थी और जो ब्रिटिश सैनिक थे वो केवल और केवल 40,000 थे। इसी नीति के कारण कई ब्रिटिश अधिकारी इंग्लैंड में लॉर्ड कैनिंग को क्लेमेंट कैनिंग के नाम से बुला के उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन कैनिंग का यह मानना था कि उनकी जो उदारता है वही भारत में लंबे समय तक शांति बना के रखेगी और भारत के जितने भी लोग हैं उनको अपने साथ लेके चलेगी, और यही आगे चल के हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वाइसरॉय बोला जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो इसमें गलत निकला था वो ये है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1897। कई जगह इसका आंसर 1896 दिया रहता है लेकिन 1897 इसका सही आंसर होगा। और स्वामी विवेकानंद के जो शिकागो वाला जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में तो कौन ही भूल सकता है, आपको भी पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उन्होंने शिकागो में ऐसा क्या कहा था कि लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगे। ये अगला क्वेश्चन जो गलत यहाँ पे पूछा गया है वो ये है कि खैर बार आदिवासी आंदोलन एक्चुअली में कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1874 इसका सही आंसर हो। 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन के दौरान एक दिलचस्प किस्सा यह है कि आंदोलन के प्रमुख नेता झंडू महतो ने अपने प्रभावशाली नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी। झंडू महतो एक आदिवासी नेता थे, उन्होंने अपने समुदाय को संगठित किया और ब्रिटिश जमींदारों और प्रशासन के खिलाफ लामबंद किया। उनके नेतृत्व में खैरवार आदिवासियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की जमीन पर कब्जे करने की कोशिश और शोषणकारी नीतियों का विरोध किया। एक महत्वपूर्ण घटना में झंडू महतो ने आदिवासियों के साथ मिलकर एक बड़ी सभा का आयोजन किया। इस सभा में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ अपने संघर्ष की योजना बनाई और आदिवासियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। ये सभी ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई क्योंकि इसमें आदिवासी समुदाय की एकता और शक्ति का प्रदर्शन हुआ और आदिवासी समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, अगले क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन था, वो पूछा गया भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। इसका सही आंसर है एन एम जोशी, ये सही आंसर है, लेकिन इनके अलावा लाला लाजपत राय भी इसके साथ थे।
एक्चुअली लाला लाजपत राय और एनएम जोशी दोनों ने भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन दोनों के योगदान अलग अलग थे। लाला लाजपत राय की बात करें तो उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत की और श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उनका प्रमुख योगदान 1920 के दशक में था, जब उन्होंने श्रमिकों के संगठन की नींव रखी और श्रमिकों के सुधार के लिए आवाज उठाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ श्रमिक आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि एनएम जोशी विशेष रूप से ट्रेड यूनियन आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और 1920 में अखिल भारतीय श्रमिक संघ AITUC की स्थापना उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलन चलाए और भारत के श्रमिक वर्ग को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये उठ के आ रहा है कि जो जनरल साइंस में हमने क्वेश्चन भेजा था उसमें आप क्वेश्चन नंबर अगर 401 पे आइए, हिंदी में की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में आपको भेजा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकल के आई अभी तक। हिंदी के क्वेश्चन नंबर 401 में ये लिखा हुआ है कि पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। इसका सही आंसर दिया है नियासिन। अभी हम इसको पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं इसी से रिलेटेड, जनरल साइंस में क्वेश्चन नंबर 434, उसमें भी नाइसिन का नाम दिया गया है और पूछा गया उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। उसका सही आंसर दिया गया है पेलेग्रा। और उसके बाद अगर आप आइए क्वेश्चन नंबर 455 पे, तो उसमें दिया गया है विटामिन B5 की वजह से कौन से रोग हो जाता है। उसका आंसर भी यहां पे पेलेग्रा दिया गया है। तो आज हम विटामिन बी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दिए देते हैं। देखिए विटामिन बी एक समूह के विटामिन है जिसमें 8 मुख्य प्रकार के विटामिन शामिल हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो विटामिन B1, जिसको कि हम थायमिन के नाम से जानते हैं, इनसे होने वाले जो रोग हैं वो है बेरीबेरी, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंतु और हृदय यानी कि हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। अब अगर हम बात करें विटामिन B2 की, तो उसका नाम है राइबोफेबलिन, इससे होने वाले जो रोग हैं वो हैं होठों और मुंह में दर्द, नाक घाव हो जाना, जिसको कि हम एंगुलर स्टोमेलिटिस भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि इससे त्वचा के कौन से रोग होते हैं, तो वो है स्केलोराइसिस, जिसको कि सेबोरेहिक डर्माटाइटिस भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें विटामिन B3 की, तो इसका नाम है नाइसिन, याद रखिएगा नाइसिन। और पेलेग्रा जो होता है, पेलेग्रा इसी से होता है जिसमें लाल चकत्ते पड़ते हैं, दस्त आता है और दिमाग की भी कई समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसका नाम है पेरिडॉक्सिन, इससे होने वाले जो रोग हैं वो हैं एनीमिया, त्वचा की समस्याएं, तंत्रिका तंतु की समस्याएं यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम इससे भी होता है, और कुछ झुंझुनाहट और जो डिप्रेशन की कारण होते हैं वो भी इसी से होते हैं, इसकी कमी की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 की, जिसकी आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो बालों का झड़ना जो होता है, त्वचा पे लाल चिकत्ते जो पड़ते हैं और जो थकावट होती है वो होती है विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की कमी की वजह से। और अब हम बात करते हैं विटामिन B9, जिसका कि नाम होता है फोलिक एसिड। देखिए फोलिक एसिड की कमी से जो आपका गर्भवती महिलाओं में न्यूरल ट्यूब दोष होता है और भी जो विकासात्मक समस्याएं होती हैं, मतलब कि जब बच्चा होता है, आप समझ लो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको विटामिन B9 सबसे ज़्यादा लेना चाहिए, जो कि आपको अंडे के पीले वाले में भी मिल जाता है, और इसकी वजह से आपका जो बच्चा होता है उसमें किसी भी तरह की फिजिकल जो डिसेबिलिटी होती है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की, जिसका नाम है कोबाल्मिन। अगर आपको कोबाल्मिन की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, तो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और दिमाग की और मानसिक कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफी कुछ समझ आ गया होगा, काफी चीजें आप नहीं जान पाए होंगे और आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं JBT PRT एग्जाम की, तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ये वीडियो क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं हम आपसे आने वाले चैलेंजेस और क्लासेस में, तब तक ले थैंक यू सो मच।